आज हम इस वीडियो में ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो 11 और 12 में पूछा जाता है, जिसका नाम है जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। ठीक है, जीरंड या नाउन क्या होता है? जीरंड का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जीरंड। और यह प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई सेंटेंस आपका वर्ब से प्रारंभ होता है। जैसे हमने कहा कि पढ़ना मेरी आदत है। ठीक, देखिए पढ़ना क्या हुआ आपका, पढ़ना वर्ब है, कैसे बनाएंगे? रीडिंग, रीडिंग इज माय हैबिट। ठीक है, तो देखिए जब आपका सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है तो क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जीरंड या नाउन के पूर्व इसमें आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करना है। ठीक है, आईएनजी लगता है, ठीक, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे ही वर्क हार्ड, ही वोन अ प्राइज। ठीक, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वोन अ प्राइज, और वह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों सेंटेंस के बीच में क्या करना है हमें, ठीक है, यानी कि हमको इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आपको सोच कर लिखना है। ठीक, इसका कोई स्पेशल रूल नहीं होता। देखिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसको पहले लिखते हैं, ही won a prize। ठीक, अब देखिए सेंटेंस जोड़ना में किससे जोड़ेंगे, ही won a prize, देखिए by कर दिए। ठीक है, देखिए वर्क है, क्या करेंगे इसमें आएंगी, वर्किंग हार्ड। ठीक, ही ओन अ प्राइज बाय वर्किंग हार्ड। ठीक है, इसको आपको अपने मन से ही बैठाना है कौन सा प्रीपोजिशन सही फिट होगा। ठीक, दूसरा देखिए, ही हैज फेंटेड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप सक्सीड। ठीक, वह बहुत समय से क्या हुआ, फेल हो गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, हाँ, सफलता की आशा। ठीक, फिर भी वह सफलता की आशा करता है। देखिए इसको बनाएंगे, He has failed many times. इसमें प्रयोग करेंगे in spite of. ठीक, in spite of many times. ठीक, in spite of many times failures. In spite of many times failure, ठीक, यानी कि बहुत बार असफलता के बावजूद, ठीक, दो सेंटेंस, he still, ऐसे इसको डाल देंगे, he still hope succeed. In spite of many times failures, he still succeed. ठीक, देखिए द मोर रोज दियर जर्नी वाज नॉट एंडेड। ठीक है, इसको लिखेंगे द मून रोज। ठीक, चंद्रमा निकल गया, वह अपना यात्रा समाप्त नहीं किया। ठीक, तो देखिए द मोर रोज बिफोर बिफोर द एंड बिफोर बिफोर द एंड ऑफ दियर जर्नी ऑफ दियर जर्नी। The more rose before the end. Before the end of their journey. ठीक है, देखिए हर हस्बैंड डाइड सी हियर द न्यूज शी फेंटेड। ठीक, क्या हुआ,
हर उसका पति मर गया, सी हर्ड द न्यूज, यह न्यूज सुना सी, और वह मूर्छित हो गई। क्या हुआ यह न्यूज सुनकर, इसमें प्रयोग करेंगे ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, ठीक, या न्यूज सुनकर किसका, अपने पर, यानी कि हर हस्बैंड डायर या डेथ, डेथ, ठीक, डी ए टी एच, डेथ, इसको ऐसे उतार लेंगे सी सी फेंटेड, ठीक, ऑन हियरिंग द न्यूज हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। सोहन बॉट अ पेन, ही गिव 5 रुपीज फॉर इट, ठीक, सोहन ने एक पेन खरीदा, ही गिव 5 रुपीज फॉर इट, उसने क्या किया हो केवल उसने 5 रुपए दिया, तो सोहन बॉट अ पेन, देखिए पेन हो गया, देखिए फार हमारा प्रीपोजिशन क्या करेंगे, इसी को पहले रख देंगे, फार 5 रुपीज, 5 रुपीज, यानी कि आपको अपने मन से इसमें प्रीपोजिशन रखना, फिक्स करना, जो सही लगे उसी को रखना है, ठीक है। ही गिव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्पड मी, ठीक, इसमें देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स देखिए गेम में गिविंग, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मी एडवाइस, और दूसरा सेंटेंस तो डाल लेंगे, ही आल्सो हेल्पेड, हेल्पेड मी, यू हेल्पेड मी आई वुड हैव फेल्ड, आपने मेरी सहायता की और मैं फेल हो गया, फेल हो गया होता, ठीक, मैं फेल हो गया होता बिना तुम्हारी सहायता के, लिखेंगे सेंटेंस पहले आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता बिना तुम्हारी सहायता के, क्या करेंगे विदाउट का प्रयोग कर देंगे, विदाउट योर हेल्प, ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो आपका आईएनजी का प्रयोग होगा और दूसरा आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक, बस आज के टॉपिक में इतना ही।